हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारी आज की न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि दोस्तों, आप अपने रेडमी नोट 13C के फ़ोन में दोस्तों जो कि है वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बहुत सारे आइकन शो हो रहे होंगे, तो सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको जो कि है एक ऑप्शन शो हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन शो हो जाता है यहाँ पे वाईफाई का। वाईफाई वाले ऑप्शन पे दोस्तों जो कि क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप अपनी वाईफाई सेटिंग्स ऑन कर लेनी है। वाईफाई सेटिंग्स ऑन कर लेने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे नेटवर्क और दोस्तों जो कि है वाईफाई शो हो रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क शो हो रहे होंगे, तो जो भी आपका नेटवर्क है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको बोलेगा पासवर्ड के लिए, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो कि है डाल देना है और कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जो जरा अगर दोस्तों आप इस प्रकार से कुछ गलत पासवर्ड डालते हैं तो आपका वाईफाई दोबारा आपको पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो मैं दोस्तों अपना जो कि है सही पासवर्ड डालता हूँ, मैंने जरा गलत डाल दिया था, और फिर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देते हैं फ्रेंड, जो कि हमारा वाईफाई थोड़ा वेटिंग में जाएगा और फिर यहाँ पे आपका जो है कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने दोस्तों जो है Redmi Note 13C के फ़ोन में दोस्तों वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले टेक वीडियो में, और टेक वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माई हमारे चैनल DTS Expro। मिलते हैं अगली वीडियो में।